नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में। चलिएगा, आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चना चाट। तो दोस्तों, ये बच्चों की तो फेवरेट होती ही है, इसको आप लंच टिफिन में बच्चों की पैक कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिएगा दोस्तों, इजी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा सामान लिया है। ये टमाटर दो मीडियम साइज़ के बारीक कट करके, और एक आलू को कट कर लिया है, और एक बड़ा साइज का प्याज कट करके लिया है। नींबू है और हरा मिर्च लिया है, और यहाँ पे हमने लिए हैं उबले हुए चने। तो यहाँ पे कढ़ाई में लेंगे ऑयल, 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैंने पहले इसमें जीरा डाल के देख लिया था, ये हल्का गर्म हो गया है, और इसमें हम 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा। आप कम भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हम यहाँ पर चाट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब डाल देंगे प्याज, जब यह जीरा चटक जाएगा उसके बाद। देखिएगा, प्याज को थोड़ा सा चला देते हैं, हल्का सा इसको भून लेते हैं यहाँ पे। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा मिर्च। आप किसी भी शेप में किसी भी तरीके से कट करके इनको डाल सकते हैं। और जब यह थोड़ी से फ्राई हो जाएंगे, प्याज हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलूओं को। देखिएगा, आलू हम पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें आलू थोड़ी से यहाँ पर फ्राई करने हैं, तो इनका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इसीलिए टमाटरों को बाद में ऐड करेंगे, पहले हम आलूओं को ही 1 मिनट तक यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो चलिएगा, आलू तो हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे टमाटर को। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस 1 मिनट तक ही चलाइएगा। बहुत हल्के से गल जाने चाहिए, और जब यह हल्के से गल जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे चने को, जो हमने उबाल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर चने ऐड कर देते हैं, और इनको देखिएगा चलाना नहीं है। उससे पहले ही हम इसमें मसालों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, जो भी आप खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे लेंगे स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 चम्मच यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 चम्मच ही लिया है। आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो कम डालिएगा। अब लेंगे यहाँ पर चाट मसाला 1/2 चम्मच, और ये हमने यहाँ पर लिया है 1/2 नींबू। आप इसको ज़्यादा खट्टा बनाना चाहते हैं तो पूरा नींबू इसमें डाल दीजिएगा। तो ये नींबू डाल दिया है, अब इसके बाद इसको चला देते हैं थोड़ा सा, और मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको 1 मिनट तक पका लीजिएगा। थोड़ा सा और पकाने पे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाएगी ये। तो यहाँ पर हमने गैस से नीचे इसको उतार लिया है, और थोड़ा सा इसको पहले हम ठंडा कर लेंगे, तब इसको हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ठंडी हो गई है, और ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम चाट को सर्व कर देते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा बहुत गार्निश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू, हरा मिर्च, और देखिएगा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ाने जा रही है, वो हमने यहाँ पे ली है आलू भुजिया। आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हो वो आप इस चाट के ऊपर डालिएगा, या आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको डालने के बाद इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चाट यहाँ पे बन करके तैयार है, आप इसको बच्चों को बनाकर खिलाइएगा। आप इसको लंच टिफिन में भी बच्चों के पैक कर सकते हैं। और जब आप चाट बनाएं तो आप इसमें नींबू की जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 चम्मच डाल दीजिएगा, तब भी यही टेस्ट आएगा। तो ये लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा यम्मी चाट बन करके बिल्कुल तैयार है, और इसे हमने सर्व भी कर दिया है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और यम्मी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।